नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी VTP किस तरह से कॉन्फ़िगर करता है, यानी कि उसमें से VTP में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको स्विच को सर्वर मोड में कैसे रखा जाता है, और जो है उसमें डोमेन कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, और उसका डोमेन का पासवर्ड किस तरह से सेट किया जाता है, और किस तरह से वो रिप्लिकेट होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो जो ट्रांसपेरेंट मोड है वो किस तरह से सेट होता है, और किस तरह से बाकी जो स्विचेस हैं उनको क्लाइंट मोड पे सेट करते हैं, क्योंकि अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट में जो भी डिवाइस हमारे पड़े हैं, नेटवर्क के स्विचेस पड़े हैं, वो अभी भी सर्वर मोड पे ही हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि डोमेन में भी हैं और पासवर्ड में भी हैं, तो हम किसी भी नेट स्विच पे जाकर जो है कोई भी डेटाबेस अपडेट करेंगे, वो सब जगह पे पूरा जो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो अभी ये सिर्फ हम एक कॉमन जो हमारा सर्वर, ये जो हमने सर्वर स्विच बनाया था, इसी को हम कॉन्फ़िगर करें और ये बाकी सभी क्लाइंट पे होने चाहिए, ताकि ये जो अपडेट हैं वो सिर्फ इसी स्विच से ही जानी चाहिए और इन पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो इसके लिए मैं पहले ये जो हमारा एग्जिस्टिंग डिवाइस है नेटवर्क का, इसको इधर सेट कर लेता हूँ, और ये हमारा स्विच इधर ले लेते हैं। तो ये स्विच, अभी हमारे तीन स्विच थे, तो अभी एक काम करते हैं, ये तीनों स्विच तो कॉन्फ़िगर हैं ही हैं, अभी ये दो स्विच और ले लेते हैं। तो दो मैं स्विच और ले लेता हूँ, ये एक ले लिया और ये एक दूसरा ले लिया। सो अभी इसको कनेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो स्विच है इसको कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच 4। और इसको हम जो है क्या करते हैं, इसका VTP भी सेट नहीं करना, इस पे हमने VTP मोड जो है इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो ये हमने डिवाइस को सेट कर दिया है ट्रांसपेरेंट मोड पे, राइट। तो बाकी का कॉन्फ़िगरेशन बाद में करते हैं। तो जो स्विच 4 है, यानी कि ये जो स्विच यहाँ पे लेबल जो है स्विच 3 का है, लेकिन अंदर हमने जो इसको स्विच डिफाइन किया है, तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे स्विच 4 जो है ये बना हुआ है। सो दोस्तों, अभी एक काम करते हैं, इसको तो हमने कर ही दिया है उस मोड में, अभी ये जो स्विच है इसको हमारा जैसा दूसरे स्विच डिज़ाइन कर रखे हैं उसी तरह इस स्विच को हम एज अ क्लाइंट डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इसको स्विच का नाम देते हैं SW5। अभी हम इसमें VTP और VTP, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी VTP डिफाइन नहीं करते हैं। वैसे मैं आपको इसका VTP स्टेटस दिखा देता हूँ, VTP show VTP स्टेटस करके दिखा देता हूँ। तो अभी ये सर्वर मोड में है, हम इसको क्लाइंट मोड में कर देते हैं। चलिए VTP मोड क्लाइंट, तो ये हमने क्लाइंट मोड में इसको सेट कर दिया है। तो मैं आपको एक बार VTP show VTP करके दिखा देता हूँ, show VTP स्टेटस। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो है क्लाइंट मोड जो है वो सेट हो चुका है, और हम इसको एग्जिट करते हैं। अब जो है ये स्विच हमारे जो हैं इनको भी क्लाइंट मोड पे सेट कर देते हैं, पहले आपको इसका दिखा देता हूँ, show VTP स्टेटस। सो एज यू कैन सी, ये भी सर्वर मोड में है और ये वाले भी सर्वर मोड में है, तो ये सभी सर्वर मोड है। तो हम इसको जो है स्विच को कर देते हैं क्लाइंट मोड में, VTP मोड क्लाइंट। तो ये हमने इसको क्लाइंट मोड में सेट कर दिया है, ठीक है। अभी
सेम इसी तरीके से हम इसको भी क्लाइंट मोड में सेट कर देते हैं। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शो VTP स्टेटस, तो ये भी सर्वर मोड पे है, तो हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं एज अ क्लाइंट मोड। सो हमें क्लाइंट मोड में करने के लिए VTP मोड क्लाइंट, तो ये है हमारा क्लाइंट मोड में, ये भी स्विच सेट हो गया है, तो इसको भी करते हैं अभी बंद। तो ये हमारा सर्वर पे है, सर्वर मोड पे है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सर्वर मोड पे इसका। शो VTP स्टेटस, सो एज यू कैन सी कि ये हमारा सर्वर मोड पे है और इसको हमने क्लाइंट मोड में सेट कर दिया, इसको क्लाइंट मोड में सेट कर दिया और इसको भी हमने क्लाइंट मोड में सेट कर दिया है। तो अभी हमारा जो है ये हमने ट्रांसपेरेंट रखा है जो बीच में है, राइट। मैं आपको एक बार इसका शो VTP करके दिखा देता हूँ, VTP स्टेटस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंट है। सो अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कनेक्ट। तो यहाँ से इसको मैं 23rd पे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको 23rd पे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको पहले ट्रंक डिफाइन कर लेते हैं, INT FA0/23। सो इसको हमने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सॉरी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो ये हमारा सेट हो गया ट्रंक पोर्ट पे। तो चलिए अभी इसको भी 23rd पे जो है ट्रंक मोड सेट कर देते हैं कॉन्फ की। तो यहाँ पे हमने करना है INT हमारा पोर्ट नंबर FA0/23 और इसको हमने कर देना है मोड चेंज कर देना है इसका स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। सो ये हमारा ट्रंक मोड सेट हो गया इस पे, ठीक है। और सेम वे अभी चलिए हम जो है इन दोनों को भी कनेक्ट कर देते हैं 22 और इसको भी हम 22 पे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए तो उसको भी 22 पे पहले कॉन्फ़िगर कर देते हैं ट्रंक में, INT FA0/22। सो अभी इसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सॉरी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो ये हमारा हो गया ट्रंक मोड में सेट। तो चलिए इससे बाहर चलते हैं और इसको भी 22 नंबर पे हमने ट्रंक मोड डिफाइन किया है, तो इसको भी कर लेते हैं CONFT INT पोर्ट नंबर FA0/22, सॉरी INT करना था, INF कर दिया मैंने, INT FA0/22। सो इसको करना है हमने स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट के मैंने फिर स्पेलिंग गलत लिखे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट। तो ये भी हमारा हो गया। सो अभी क्या करना है, सबसे पहले अभी ये कनेक्ट हो गए, तो ये हमारा सर्वर है, राइट। ये क्लाइंट मोड पे है, ये क्लाइंट मोड में है और ये जो है क्लाइंट मोड पे है, लेकिन हमने इसको जो है हमारा
नेटवर्क पे नहीं डाला है, मतलब हमारे जो डोमेन है वो इसमें सेट नहीं किया है, इसमें डोमेन सेट है, इसमें डोमेन सेट है, तो इसमें भी डोमेन सेट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको VTP स्टेटस इन सभी का स्विचेस का दिखा देता हूँ। शो VTP स्टेटस, तो ये क्लाइंट मोड पे है, यहाँ पे डोमेन कोई भी सेट नहीं किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग VLAN जो है 5 है, तो मैं आपको शो VLAN करके भी दिखा देता हूँ। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे कोई भी VLAN जो है वो नहीं है, जो डिफॉल्ट में है वही है। सेम वे यहाँ पे इस स्विच को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, शो VLAN, राइट। तो इसमें भी कोई और नहीं है, डिफॉल्ट वाले ही हैं। तो मैं आपको VTP करके भी दिखाता हूँ, शो VTP स्टेटस। सो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सेट किया हुआ है हमने, और ये डिफॉल्ट में 5 हैं, राइट। सो अभी इसको ले लेते हैं, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, शो VLAN। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है 4 हमने डिफाइन किए हुए हैं, 10, 20, 200 एंड 500, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं VTP का स्टेटस भी दिखाता हूँ, शो VTP स्टेटस। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे VTP ये तो क्लाइंट मोड में एक तो सेट है, दूसरा यहाँ पे 9 जो VLAN इसमें कॉन्फ़िगर्ड है। सेम वे यहाँ पर भी वही है, राइट। इसको भी आपको दिखाई देता हूँ, शो VLAN। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे भी चारों के चारों कॉन्फ़िगर हैं, 10, 20, 200, 500, और शो VTP स्टेटस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये क्लाइंट मोड में है, 9 है, राइट। तो अभी हम चलते हैं, ये हमारा जो सर्वर मोड पे है, तो यहाँ पे भी आपको शो VLAN करके दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे शो VLAN जो है 10, 20, 200 एंड 500 है, राइट। अभी मैं आपको इसका VTP मोड भी दिखा देता हूँ, शो VTP स्टेटस, राइट। तो ये है हमारा सर्वर। तो अभी हम ये जो हमारा सर्वर है इसी पे जो है हम डिफाइन करेंगे एक VLAN। तो इसको चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं VLAN, 10 है, 20 है हमारा कॉन्फ़िगर, 200 है, 500 है, चलो 700 कॉन्फ़िगर कर देते हैं। नेम दे देते हैं इसको टेस्ट, तो टेस्ट तो कहीं नहीं है, चलो इसको नाम दे दिया हमने टेस्ट। इसको करते हैं एग्ज़िट, एग्ज़िट, राइट। तो अभी मैं आपको शो VLAN करके दिखा देता हूँ, शो VLAN, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। चलिए अभी जो क्लाइंट है ये, इन पे भी आपको चल के शो VLAN। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे क्लाइंट मोड है, मैं आपको यहाँ पे पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे 700 जो है वो आ चुका है, अपडेट हो चुका है स्विच में भी। तो चलिए अभी मैं आपको इसका VTP स्टेटस भी दिखा देता हूँ, शो VTP स्टेटस। सो एज यू कैन सी, ये क्लाइंट मोड में है, यहाँ पे 9 था, अभी 10 हो गया, अब यानी कि अपडेट हो चुका है, राइट। तो सेम वे यहाँ पे इस स्विच को भी हम देख लेते हैं, शो VLAN। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर भी ये जो है 700 यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है। और चलिए मैं इसका VTP स्टेटस भी दिखा देता हूँ आपको, शो VTP स्टेटस। तो यहाँ पे भी ये क्लाइंट मोड में है और यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट स्विच की। तो ट्रांसपेरेंट स्विच पे जो ट्रांसपेरेंट पे ये देखिए सेट हो रखा है, तो मैं अभी आपको वापस दिखा देता हूँ, यहाँ पे शो VLAN करके पहले दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, राइट, क्योंकि हमने इसको ट्रांसपेरेंट पे सेट किया था। सेम वे मैं आपका इसको शो VTP स्टेटस भी दिखा देता हूँ,
VTP स्टेटस भी देख लीजिए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको ट्रांसपेरेंट पे सेट किया हुआ है। और ये लास्ट वाला जो है, हमने इसको हमारे उस ग्रुप के अंदर डाला ही नहीं है, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं कि कहाँ क्या कहानी है। राइट, तो यहाँ पे हम करते हैं शो VLAN। सो एज यू कैन सी कि हमारा ये नेटवर्क में हमने नहीं डाला है, बट हमारे नेटवर्क में ये कनेक्टेड है, उसके बावजूद भी इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। रीज़न बीइंग कि हमने उसको हमारे डोमेन और पासवर्ड के साथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और ये जो स्विच है वो हमारे उस नेटवर्क के अंदर नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका VTP स्टेटस भी दिखा देता हूँ, शो VTP स्टेटस। सो एज यू कैन सी ये क्लाइंट पे सेट है, यहाँ पे डोमेन तो आ गया है, अपडेट हो चुका है, राइट। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे पासवर्ड नहीं डाला है, तो इसलिए ये जो है उसके साथ जो है इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है, सिंक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई हैकर आता है और कोई अपना स्विच लगाता है, तो उसको ये हमारा जो डोमेन है वो तो पता चल जाएगा कि क्या डोमेन हमने सेट कर रखा है, लेकिन जब तक हमारा जो है पासवर्ड हम नहीं बताएंगे, तो तब तक वो हमारे इस नेटवर्क में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, अभी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और हमारे इसको क्या कहते हैं VTP पासवर्ड डाल देते हैं इसमें। तो VTP पासवर्ड हमने कल डाला था टेक गुरु। सो ये VTP डेटाबेस अभी हमने कर दिया है, पासवर्ड डाल दिया है, तो डेफिनेटली अभी मैं आपको शो VLAN करके दिखाऊं। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो वहाँ पे था, जैसे हमने पासवर्ड डाला तुरंत ये अपडेट हो गया। लेकिन ये नेटवर्क आ कहाँ से रहा है, नेटवर्क तो इस स्विच के थ्रू ही आ रहा है, यानी कि इसको हमने ट्रांसपेरेंट सेट कर दिया है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सेट करने की वजह से जो है ये कुछ भी अपडेट डेटाबेस इस पे नहीं हो रहा है VLAN। सो यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे वो पैकेट्स जो अपडेट पैकेट्स हैं वो इस स्विच पे, यानी कि इस स्विच पे जो है वो पैकेट आए, और ये स्विच ने एज इट इज़ उन जो पैकेट्स हैं उनको यहाँ से बाईपास करके इस स्विच तक तो पहुँचा दिया, लेकिन खुद का जो डेटाबेस है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होने दिया। सो दोस्तों ये तीन जो मोड होते हैं VTP के, सर्वर, क्लाइंट और जो है ट्रांसपेरेंट मोड, ये मैंने आपको तीनों के तीनों यहाँ पे इस स्विच में, इस पूरे नेटवर्क जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे दिखा दिया है किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से ट्रांसपेरेंट जो है वो आता तो है उसके पास, सारे जितने भी एडवर्टाइजमेंट वाले जितने भी पैकेट्स हैं वो सारे आते हैं उसके पास, लेकिन वो बाईपास कर देता है बिना कुछ अपडेट किए। तो ये हमारा पहला है स्विच सर्वर जिसको बनाया है, और ये हमारा क्लाइंट है, और ये भी हमारा क्लाइंट है, और ये भी हमारा क्लाइंट है। तो चलिए क्लाइंट पे अभी हम क्या करते हैं, एक VLAN अपडेट मार के देखते हैं कि क्लाइंट पे कुछ हमें अपडेट करने दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है। तो ये इसको करने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसका VTP शो कर देता हूँ, शो VTP स्टेटस। राइट, तो ये हमारा क्लाइंट स्विच है, तो चलो अब क्लाइंट स्विच पे हम जो है कॉन्फ़िगर करते हैं VLAN। सो यहाँ पे हमें लिखना है VLAN 10 बना हुआ है, 20 बना हुआ है, 500 बना हुआ है, 200 बना है, 700 बना हुआ है, चलो 300 बनाते हैं, VLAN 300। सो एज़ यू कैन सी जैसे ही मैंने वो डाला है, तो यहाँ पे लिख के आया है VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode, यानी कि ये जो जितने भी हम स्विच जो है बना दिए हमने क्लाइंट मोड में डाल दिए हैं, वो जो स्विच हैं आपके सर्वर मोड और कुछ भी अपडेट लेने के लिए एग्री नहीं है। राइट, सो यहाँ पे हमने सर्वर किया बनाया है, तो अभी चलो सर्वर से एक और अपडेट लेके देखते हैं कि यहाँ पे हमें वो कॉन्फ़िगर करने दे रहा है कि नहीं। कॉन्फ टी, ये हमारा सर्वर है, तो हम यहाँ पे VLAN 300, देखिए आराम से इसने कॉन्फ़िगर करने दिया। इसको हम नाम दे देते हैं
से फॉर एग्जांपल मंजीत, राइट, तो इसने हमें कॉन्फ़िगर करने दे दिया, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है। तो चलिए अभी सीधा लास्ट वाले स्विच पे देखते हैं कि यहाँ पे वो अपडेट आया है क्या, शो VLAN। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है ये रहा हमारा मंजीत। तो यानी कि जैसे ही हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर पे, तुरंत ही विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ही हमारे पूरे नेटवर्क के अंदर जितने भी स्विचेस हमने हमारे अकॉर्डिंग डिफाइन किए, उन सब पे जो है पूरा डेटाबेस जो है इसका अब सिंक हो जाता है इमीडिएटली, और हमारे नेटवर्क जो है वो काम करता रहता है। हमें जितने भी जिस भी स्विच के जो पोर्ट हमें जिस VLAN में डालने हैं वो हमें मैन्युअली जाके डालने पड़ेंगे। सो दोस्तों ये था कि किस तरह से हम जो है तीन मोड जो की जो बात थी वो हमने क्लियर कर ली। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे स्विच को सर्वर मोड में डालना है, क्लाइंट मोड में डालना है और ट्रांसपेरेंट मोड में डालना है, और तीनों का अलग अलग क्या क्या काम है, यानी कि सर्वर मोड मतलब क्या होता है, क्लाइंट मोड मतलब क्या है और हमारा ट्रांसपेरेंट मोड मतलब क्या है। तो ये तीनों के तीनों मैंने एक ही नेटवर्क बना के उसमें आपको डेमोस्ट्रेट करके दे दिया है। फिर भी आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस लेके मैं आता रहता हूँ और आगे भी आता ही रहूँगा। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।